खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब तस्कर शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। कभी सड़क के रास्ते सप्लाई करते हैं तो कभी ट्रेन के द्वारा तस्करी करते हैं। प्रभारी निरीक्षक जेआरपी कानपुर ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी पवन, गोलू और रंजीत ये बिहार के निवासी हैं। उनके पास से 150 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। ये लोग बिहार के दरभंगा जिले में ट्रेन से शराब तस्करी को ले जा रहे थे। इन आरोपियों के शराब तस्करी की सूचना कई दिन से आ रही थी, जिसमें जेआरपी और की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर ट्रेन से शराब तस्कर और माल को बरामद किया। इन लोगों से पूछताछ कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 20 नवंबर को विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो बिहार की जो दरभंगा क्लोन ट्रेन है, इसके रिजर्वेशन क्लास की जो एसी बोगियों हैं, उसके एसी का जो चैम्बर होता है जहाँ से टूल्स वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ जो है अवैध शराब जो छुपा कर रखी गई है, जिसको ले जाया जा रहा है। और उसमें जो ये काम करने वाले लोग हैं अटेंडेंट, उनके द्वारा रखा गया है। इस सूचना पे विश्वास करके एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी दोनों के जवान और पुलिस टीम को लगाया गया। और ट्रेन के आगमन के पश्चात जो है और सभी उन जो इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से उन बोगियों में जाकर के चेकिंग कराई गई, तो तीन व्यक्ति के कब्जे से 150 बोतल जो है अंग्रेजी शराब 750 ml की, प्रति बोतल 750 ml की, जिसमें ऑफिसर च्वाइस और XXX रम है, बरामद हुआ है। इस संबंध में सभी को गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं शराब तस्करी को लेकर, तो रेलवे पुलिस क्या ठोस कदम उठाएगी या इसके पीछे कोई बड़ी गैंग है? देखिए, बिहार में शराबबंदी होने के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से और दिल्ली से जहां सस्ती दारू मिल रही, वहां से ये तस्करी की कार्रवाई हो रही है। इस बिंदु पे हम लोगों ने जब तक जो बातचीत किया है, यही प्रकाश में आया कि वहां सस्ती दारू ले जा करके ऊँचे दामों पर बेचा जा सकता है और बेचा जाता है। अभी पूर्व में भी हम लोगों ने करीब 7-8 मामलों में गिरफ्तारियाँ की है, और उसमें भी यही बात पूछताछ में प्रकाश में आया कि बिहार में शराबबंदी होने के कारण वहां शराब की मांग जो है उसको पूर्ति करने के लिए यहां से तस्करी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।